गाइस शॉपिंग करना किससे अच्छा नहीं लगता, हर कोई शॉपिंग करता है और हर दिन करता है, लेकिन जब बात आती है शॉपिंग करते समय जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की, तब हम वहां पर आकर अटक जाते हैं। हिंदी में तो हम शॉपिंग से रिलेटेड हर तरह का सेंटेंस बोल लेते हैं, जैसे कि ये बहुत महंगा है या फिर आप ठीक ठाक लगा लो भैया। तो ये वाले जो सेंटेंसेस है जब हम इंग्लिश में बोलने जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसे ट्रांसलेट कैसे करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शॉपिंग करते समय इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे शॉपिंग रिलेटेड सेंटेंसेस की, जो सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, क्योंकि हमेशा की तरह सीखने वाले हैं आप कुछ नया और इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन गाइस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यह कितने का दिया। पूछते ना जनरली आप कहीं भी जाए कि यह कितने का दिया, तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हाउ मच इज दिस। अब देखिए, एक अगर कोई वस्तु है तो आप सिंपली बोलेंगे हाउ मच इज दिस। अगर पास रखिए तो आपने दिस का यूज किया, लेकिन यही चीज अगर दूर रखिए तो आप दैट बोलेंगे। आपको पूछना हो वह कितने का दिया तो आप बोलेंगे हाउ मच इज दैट। ओके, हाउ मच इज दैट मतलब वह कितने का दिया। अब बहुत सारी चीजें आप पूछ रहे हैं ये कितने का है, एक है तो हाउ मच इज दिस आपने बोला, बहुत सारी चीजें हैं तो आप बोलेंगे हाउ मच आर दीज मतलब यह कितने का है। यही चीजें अगर दूर है तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच आर दोज मतलब वे कितने के हैं। क्लियर? तो हमें प्राइस से पूछना हो कि यह कितने का है, वह कितने का है, तो सिंपल सा सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे हाउ मच इज दिस। गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तो एक साधारण दुकानदार है। आप किसी शॉप पर नहीं जाना चाह रहे और आप बता रहे कि वह तो ऐसी साधारण सी दुकान है या फिर वह दुकानदार बिल्कुल साधारण है। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर वह एक साधारण दुकानदार है। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, यह कुर्सी तो 60 रुपये में बहुत सस्ती है। बोलते ना कि यार ये तो बहुत ही सस्ता है 20 रुपये में, यह तो 1000 रुपीज़ में बहुत ही सस्ता है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस चेयर इज क्वाइट चीप फॉर 60 रुपीज। ओके, दिस चेयर इज क्वाइट चीप फॉर 60 रुपीज। चेयर की जगह आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे आपको बोलना हो कि यह मोबाइल तो 1000 में बहुत ही सस्ता है या यह मोबाइल तो 5000 में बहुत ही सस्ता है, तो आप बोलेंगे दिस मोबाइल इज क्वाइट चीप 4000 रुपीज या फिर दिस मोबाइल इज क्वाइट चीप फॉर 5000 रुपीज। तो मोबाइल या चेयर की जगह आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यह 20 रुपये का है। किसी ने आपको बोला हो या आप किसी को बता रहे कि यह तो 20 रुपये का है या 20 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का है, प्राइस आप चेंज कर सकते हैं। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज 420 रुपीज़। दिस इज 420 रुपीज़ मतलब यह 20 रुपये का है। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यह दुकानदार उधार चीज़ें नहीं बेचता। अब आप कहीं जा रहे हैं उधार लेना चाहते हैं, कोई बता रहा है या आप किसी को बता रहे हैं कि भैया ये दुकानदार उधार चीज़ें नहीं देता है, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। ओके, दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट, सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट, यह दुकानदार मिलावट की चीज़ें बेचता है। यह दुकानदार मिलावट की चीज़ें बेचता है, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस शॉपकीपर सेल्स एडल्ट्रेटेड स्टफ। स्टफ या थिंग्स दोनों का मीनिंग होता है सामान या फिर वस्तु है। तो सिंपल सा सेंटेंस है। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, भाव गिर रहे हैं। जब भी आप बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के प्राइस कम हो रहे हैं, भाव गिर रहे हैं, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे द प्राइजेस आर फॉलिंग। ओके, द प्राइजेस आर फॉलिंग मतलब भाव गिर रहे हैं। अब देखिए, यह कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। जब क्लॉथ से रिलेटेड सेंटेंसेस हो और आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं और आप किसी को बता रहे कि यार ये मत लो, ये तो धोने पर सिकुड़ जाता है, या फिर कोई आपको शॉपकीपर सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सिकुड़ जाता है कपड़ा, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। देखिए, श्रिंक का मीनिंग होता है गाइस सिकुड़ना, तो आप इसे बोलेंगे दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। यह तो फटा हुआ है, तो फटा हुआ इससे हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉन। तो आपका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा दिस इज टॉन मतलब यह फटा हुआ है। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए। तो आप सिंपल बोलेंगे गिव मी सम गुड बुक्स। यहाँ पर बुक्स की जगह आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, तो गिव मी सम गुड बुक्स मतलब मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए, इसी की जगह आप और कोई वर्ड ले सकते हैं। मैं कुर्ता देख रही हूँ। देखिए, जब भी आप किसी शॉप पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप जब कोई चीज़ ढूंढते हैं
कुर्ता हो गया या फिर आप जीन्स ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं इधर उधर जाकर, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ कुर्ता। वैसे ही आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर अ जीन्स, मतलब मैं जीन्स ढूंढ रही हूँ, मोबाइल ढूंढ रही हूँ या फिर कुर्ता की तलाश कर रही हूँ। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस दिया हुआ है मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है। अब विंडो शॉपिंग क्या होती है, कैसे कि विंडो शॉपिंग ऐसी शॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पर आप ऑफलाइन में जाकर, मतलब ऑफलाइन स्टोर्स पर जाकर आप चीज़ें सिर्फ देखते हो, उनकी कीमत पूछते हो, आप खरीदते कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ देखना अच्छा लगता है, प्राइस पूछना अच्छा लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं विंडो शॉपिंग, जिसमें आपने सिर्फ देखा और प्राइस पता किया। तो मुझे विंडो शॉपिंग पसंद है, आई लाइक विंडो शॉपिंग। ओके, सिंपल सा सेंटेंस, आई लाइक विंडो शॉपिंग। कैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है भैया ठीक ठाक लगा लो। अब कोई आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में कोई चीज़ दे रहा है, आप बोल रहे हैं भैया थोड़ा सा कम कर लो, ठीक ठाक लगा लो, सही प्राइस लगा लो, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी द रीजनेबल प्राइस। ओके, गिव मी द रीजनेबल प्राइस मतलब ठीक ठाक लगा लो, सही प्राइस लगा लो। मुझे यह वाला चाहिए, आपने बताया कि मुझे यह वाला चाहिए, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन मतलब मुझे यह वाला चाहिए। मुझे वह कलर चाहिए, अब आप दूर के लिए बात करें, मुझे वह कलर चाहिए, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट दैट वन या फिर आई वॉन्ट दैट कलर, मुझे वह कलर चाहिए। अच्छा, उसी तरह से आपको बोला हो कि मुझे वाइट वाला दिखाइए, तो आप बोलेंगे शो मी दैट वाइट वन, मुझे वह वाइट वाला दिखाइए, शो मी दैट वाइट वन। क्लियर, दिस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे वह कलर चाहिए, ये हमारा हो गया आई वॉन्ट दैट कलर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आपके पास यह बड़े साइज में है। अब देखिए हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास में बड़े साइज में है, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव इट इन बिगर साइज, डू यू हैव इट इन बिगर साइज, क्या आपके पास में यह बड़े साइज में है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिस्काउंट है, मतलब यानी कि आप अगर कैश देंगे तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है वी ऑफर कैश डिस्काउंट, मतलब कैश डिस्काउंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपने किसी से पूछा कि भैया इसकी कोई गारंटी है, आपको बोल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसे इंग्लिश में बोला जाएगा इट डजंट कम विद अ गारंटी, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इट डजंट कम विद अ गारंटी, मतलब यह इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसे गारंटी के साथ में नहीं आता है। आप इसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे क्या इसकी कोई गारंटी है, डज इट कम विद गारंटी, सिंपल। कैसे अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यह तो काफ़ी महंगा है, जब आप बोलते हैं किसी को कि यार यह तो काफ़ी महंगा है, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। फिर दिया हुआ है मुझे मोलभाव करना नहीं पसंद, मोलभाव होता है कैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है आई डोंट लाइक बार्गेनिंग, मतलब मुझे मोलभाव करना पसंद नहीं है, इसका जो आर है इसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो आई डोंट लाइक बार्गेनिंग मतलब मुझे मोल भाव करना पसंद नहीं है। तो गाइज आप ध्यान रखेंगे बार्गेन का मीनिंग होता है मोल भाव करना। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ है क्या मैं इसे पहन कर देख सकती हूँ। देखिए जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आप कोई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, तो उसे ट्राई ऑन बोला जाता है, ट्राई ऑन मतलब पहन कर देखना, तो कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहन कर देख सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप ब्लू कलर ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, कैन यू हेल्प मी फाइंड ब्लू कलर प्लीज, आप किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरी मदद करेंगे, सिंपल कैन या कुड को आगे लगाकर आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे कैन यू हेल्प मी फाइंड कुर्ती प्लीज, क्या आप कुर्ती ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, या वाइट कुर्ती, ऐसे जो भी आप ऐड करना चाहें। क्या यह 2000 का है, इज इट फॉर 2000, आप बोल रहे हैं कि हाँ यह 2000 का है, तो आप बोलेंगे येस इट इज फॉर 2000, ये 2000 का नहीं है, तो सिंपली आप बोलेंगे इट इज़ नॉट फॉर 2000। सो ये सारे सेंटेंसेस थे गाइज जो शॉपिंग से रिलेटेड थे। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप वहाँ का एनवायरनमेंट अगर आपको लगता है कि पूरा इंग्लिश का है, तो आप इन सेंटेंसेस को ज़रूर यूज़ करिएगा, ये हेल्प करेंगे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाने में। आई होप गाइज ये आपको सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे और आई होप कि आप इन्हें ज़रूर यूज़ करेंगे जब भी आप शॉपिंग करेंगे। मिलते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।